सबसे पहले तो ये कि मैं एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरी जिसमें अल्लाह पाक ने काबिलियत रखी उस तरह मुझसे कीपिंग नहीं हुई, उस तरह मैंने डिलीवर कीपिंग में नहीं किया। और उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी फील्डिंग उस तरह नहीं हुई जिस तरह हमें करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 आउट करने पड़ते हैं, तो उसमें अगर आप कैचेस भी ड्रॉप कर दें तो ये 20 से 30 पे चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही बड़ी साइड के साथ खेलने मैचेस खेलने उसमें से बड़े बड़े जो आप सबके सामने हैं, केन विलियमसन इस टाइम दुनिया के नंबर वन प्लेयर है, अगर हम इसके कैच ड्रॉप कर सकते इट मीन्स कि वो लंबा से लंबा स्कोर कर सकता है, तो वही हुआ, हमने कैचेस ड्रॉप किए और उसी तरह उन लोगों ने लंबे रन कर दिए। और बाकी अगर आप थ्रू आउट द पूरा मैच देख ले तो हम तीनों डिपार्टमेंट में उस तरह नहीं कर सके, मगर हमें ये है कि हमारे बॉलर्स ने शुरू में एफर्ट किए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटीज हमें दी है, मगर कहीं पे हम अनलकी रहे नो बॉल्स की वजह से, कहीं पे हमारी ड्रॉप कैचेस रहे, तो इस वजह से थोड़ा ये मैच हमसे दूर चला गया। देखिए जी, अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो हमें फील्डिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, बैटिंग हमारी थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही है, मगर इंशाल्लाह हमारे पास कैपेबल प्लेयर्स हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट सीरीज में हमारे पास टाइम बहुत कम है, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अपना फॉर्म अपनी कॉन्फिडेंस वापस बैक कर लेंगे और इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेलेंगे। सेम एज ए फॉर हमारे बॉलर्स के लिए भी यही है, उन लोगों ने एफर्ट किया हम अर्ली ऑन, हाँ ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ के बाद उनका मोरल थोड़ा सा डाउन गया है, मगर स्टिल उन लोगों ने एफर्ट किए, फिर भी हमें बॉलिंग में भी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। देखिए जी, मैंने जैसे पहली बात कही है उसी को दोहराऊंगा कि उन लोगों ने बॉलर्स ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, मगर ये है कि अगर आप उसी ग्रेशन की बात करें तो स्टिल वो तो अपने शुरू में अर्ली ऑन उसी में थे, हाँ, मगर ये कि हम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ये नहीं कि हम ये कहें कि बिल्कुल हमारी बॉलिंग साइड बिल्कुल नंबर वन है, नहीं, हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम एंड में जाके कहीं पर हम थोड़े से कहीं पर ईजी हो जाते हैं, तो वो हमें ख़त्म करना होगा। हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए कि हमारा थर्ड जो सेशन हो उसमें हमारे पास इतनी एनर्जी हो कि हम उसी रिदम से जिस रिदम में शुरू में आए होते उसी रिदम में बॉलिंग कर सके। देखिए जी, नो डाउट विलियमसन वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर है, लेथम आला केला है, ड्रिल मिचेल केला है, मगर मेरे ख्याल से अगर आप उनकी इनिंग्स उठा के देख ले तो उन लोगों ने हमें चांस दिए थे, जिस तरह कंडीशन है यहाँ पे बैटिंग के लिए मुश्किल है, उन लोगों ने हमने कैचेस ड्रॉप किए, इसी वजह से वो वर्ल्ड नंबर वन इसीलिए है कि जब अगर आप बड़े प्लेयर को चांस देते हैं तो वो आपको गेम से बिल्कुल एक साइड पे कर देते हैं। मगर मेरे ख्याल से सबसे डिफरेंस जो थी हम दोनों टीमों के दरमियान वो जेमिसन की बॉलिंग थी, जिसको जिसको हाइट की वजह से लेंथ पिक नहीं हो रहा था, और उसको जो ना पिच से भी जो ना ऑफ द पिच भी और उसकी जो स्विंग थी उसको मदद मिल रही थी, जो हमारे पास मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिफरेंस जेमिसन था।